हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैपियन ट्यूटोरियल्स। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा समर इंटर्नशिप इन आईआईटी मद्रास। अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पे, जहाँ पे आईआईटी मद्रास की तरफ से एक समर इंटर्नशिप है। इसमें बहुत ही ज़्यादा आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आईआईटीज के स्टूडेंट्स को वो नहीं लेंगे। इट मीन्स दैट जो स्टूडेंट्स आईआईटी में नहीं पढ़ते हैं, एनआईटी हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गए, या विलेजेस के जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं हमेशा, लास्ट ईयर भी मैंने वीडियोस बनाई थी, तो उसमें सब स्टूडेंट्स का ये कहना था सर हमें क्यों नहीं इंटर्नशिप मिलती। अब मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अप्लाई करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि सबको पता चल सके ये सारी इंफॉर्मेशन। अभी लास्ट मैंने एक और भी, इसके पहले भी एक इंटर्नशिप आया था आईटी गांधीनगर में, जिसमें सिर्फ 500 लोगों ने वीडियोस को देखा। तो 500, देखो लॉस आपका हो रहा है, मेरा कोई वो नहीं है, बट अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक छोटा सा आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंटर्नशिप से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। आप अगर कहीं जॉब पे भी जाते हो, साथ ही साथ या आपका पीएचडी का प्रोग्राम है, पीएचडी का प्लान है, या अब्रॉड जाने का, तो इन सब में इस तरीके के इंटर्नशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अब्रॉड का सोच रहे हो या इंडिया से पीएचडी का सोच रहे हो, तो अगर आप इस तरीके के इंटर्नशिप में अगर अटेंड करते हो, तो मतलब आप आईआईटीज में जाके वहाँ पढ़ोगे, 2 महीना सीखोगे, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके सीवी पे। जब भी आप लगाओगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप जॉब के लिए भी जाओगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं आईआईटी मद्रास का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो आईआईटी मद्रास समर फेलोशिप प्रोग्राम ऑफ 2 मंथ्स विद स्टाइपेंड, जिसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, थर्ड ईयर बीटेक के स्टूडेंट्स या बीई या बीएससी, और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर ऑफ एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमटेक, एमएससी। ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हो। और साफ साफ यहाँ देख सकते हो आईआईटी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। पीरियड कितना रहेगा, 23 मई से 22 जुलाई स्टार्ट होगा। बेसिकली शेड्यूल थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, आप डिपार्टमेंट देख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, ये सारी। स्टाइपेंड आपको 6,000 पर मंथ मिलेगा, 2 महीने की इंटर्नशिप है। इसके लिए आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बोनाफाइड का फॉर्मेट लेके आप अपना साइन वगैरह अपने एचओडी से करा सकते हो। नाउ अब मैं बात करता हूं, जैसे ही आपको यहां से क्या करना है, यहां से आप अप्लाई कर दोगे, फिर आपको अपना यूजर नेम, यहां पे आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना पड़ेगा, अपना यूजर नेम, अपना नाम डाल देना और एक अपना ईमेल डाल देना। वो आपका ईमेल आपके आपके ईमेल पे आएगा, उसको वेरिफिकेशन के बाद मैं डायरेक्टली ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे मैंने अपना ये ओपन किया, उसके बाद जब आप ओपन करोगे तो यहाँ 4 कॉलम, 5 6 6 कॉलम है जिसमें आपको फिल करना है। तो पहले ऐड और एडिट पर्सनल डिटेल्स में, तो आप देख सकते हो आपका नेम, डीओबी, एज, जेंडर, कैटेगरी, फिजिकल, रिलीजन, नेशनलिटी, सिंगल, मोबाइल नंबर, आपको स्टेट कौन से, ये सारा चीज़ आपको देना है, ये सारी अपना चीज़ देना है। अब उसके बाद देखो दूसरा जो कॉलम है एकेडमिक डिटेल्स का, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये सारी डिटेल भरनी। वैसे देखो कोई खास अपना पर्सनल डिटेल है, एकेडमिक डिटेल में 10th 12th बीएससी एमएससी जो भी आपका है उसमें क्या सारी चीज़ें, आपको अपना फोटो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट को यहाँ से फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लेना, जहाँ मैंने बताया था वहाँ अपना फिल करके एचओडी का साइन आपके होगा, अपलोड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपका सर्टिफिकेट लेगा, और फाइनल सबमिट कर देना। सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो टू एवरी वन, सो दैट जो स्टूडेंट्स विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, जब जो विलेज के गांव के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में पढ़ते, सो दैट उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, उनको भी ये फायदा हो सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, डू शेयर प्लीज, थैंक यू सो मच।